सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। मोदी की नई कैबिनेट में ऐसे भी एक शख्स को शामिल किया गया है जिसने कहा था कि संघ के लोग आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को भी गिरफ्तार करने का काम किया था। ये कारनामा करने वाले आके सिंह मोदी कैबिनेट के नए मंत्री हैं। रविवार को आके सिंह मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री की शपथ ली है। सिंह ने केंद्रीय गृह सचिव पद पर रहते हुए 23 जनवरी 2013 के बयान दिया था कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि संदिग्ध आतंकी कभी न कभी संघ के कैंपों के साथ जुड़े रहे हैं। आके सिंह ने कहा था कि सुनील जोशी, संदीप टांगे, कमल चौहान और देवेंद्र गुप्ता जैसे 10 संदिग्ध हैं जिनके संघ के साथ रिश्ते रहे हैं। उनके पास 10 आतंकियों के RSS से लिंक के सबूत हैं। हालांकि BJP में शामिल होने के बाद आके सिंह अपने इस बयान से पलट गए थे। उन्होंने कहा था कि ये विचार उनके नहीं, सरकार के थे। इतना ही नहीं, आके सिंह वह शख्स थे जिन्होंने 1990 में सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पर निकले लालकृष्ण आडवाणी का रथ बिहार के समस्तीपुर में रोक लिया था और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। आके सिंह उस समय समस्तीपुर के जिलाधिकारी थे। आके सिंह 1975 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी आके सिंह जून 2011 में केंद्रीय गृह सचिव बने थे और दो साल बाद जून 2013 रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया था और 2014 में बिहार के आरा लोकसभा से सांसद बनकर आए हैं और मोदी सरकार के रविवार को हुए फेरबदल में उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।